नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। सुबह के 7 बज चुके हैं और हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण भारतीय बैंक और उनके तथ्य के बारे में जानेंगे और इसको एग्ज़ाम में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने साइंस का क्लास देखा होगा और ये क्लास भी आप देख रहे होंगे, तो मोटिव हो जाइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग सेलेक्शन के प्रति एक और कदम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई कहते हैं, जिसका स्थापना 1935 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन, एमडी और सीईओ एक ही आदमी है, गवर्नर जिसको शक्तिकांत दास जी अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक जिसे एसबीआई कहते हैं, भारतीय स्टेट बैंक जिसका स्थापना 1955 में, मुख्यालय मुंबई में हुआ था। 1955 में इसका स्थापना और मुख्यालय मुंबई में है, जिसका अध्यक्ष अभी रजनीश कुमार है, और सीएफओ प्रशांत कुमार है, सीएफआईओ प्रशांत कुमार है इसमें। और आप लोगों को सिर्फ बैंक और स्थापना और मुख्यालय याद करना है, टैंग लाइन याद नहीं करना है, तो इसलिए टैंग लाइन मैं नहीं बोल रहा हूँ। और चेयरमैन एमडी जो भी सीईओ है उसको याद करना है। और इलाहाबाद बैंक नेक्स्ट है, इलाहाबाद बैंक जिसका स्थापना 1865 में हुआ था, कोलकाता, इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसके चेयरमैन मुरली कार्जुन राव है। इलाहाबाद बैंक 1865 में कोलकाता में एसएस मुरली कार्जुन राव जो चेयरमैन है। आंध्रा बैंक जिसका स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है, इसका चेयरमैन आपको जे पी की राशि है, जे पी की री सामी है। और बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना 1908 में हुआ था, 1908 में बड़ौदा में हुआ था, जिसका आपको चेयरमैन चेयरमैन आपको पी एस जय कुमार है, जिसका चेयरमैन पी एस जय कुमार है। उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया का 1906 में हुआ था, इसका मुख्यालय मुंबई है और इसका दीनबंधु मोहापात्रा इसका चेयरमैन है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में पुणे में इसका स्थापना हुआ। फिलहाल अभी इसका चेयरमैन एस एस राजीव है, इसका चेयरमैन एस एस राजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केनार बैंक 1906 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसका एमडी और चेयरमैन आर ए शंकर नारायण है। नेक्स्ट सवाल है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1911 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और पल्लव मल्होत्रा इसका सीईओ है। इसका स्थापना 1964 में हुआ था, मुख्यालय मुंबई और राकेश शर्मा इसके आपको चेयरमैन है। इंडिया बैंक का स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था चेन्नई में और इसका आपको पद्मम चंद्रू इसके हेड है। इंडियन ओवरसीज बैंक को स्थापना 1937 में हुआ था, जो कि चेन्नई में है और इसका कन्नम शंकर
कन्नव शंकर, कन्नव शंकर इसके चेयरमैन है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का 1894 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसका चेयरमैन सुनील मेहता। मैं इसमें कुछ स्किप कर रहा हूँ, जो मेन नहीं है उसको स्किप करते जा रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक नई दिल्ली, इसका स्थापना 1908 ईस्वी में हुआ था, और फिलहाल में अभी इसका हेड है एस हरिशंकर। सिंडिकेट बैंक जो कि 1925 में हुआ था इसका स्थापना, अभी फ़िलहाल ये इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक का में है, और इसका हेड मृत्युरंजन महापात्रा। यूके बैंक जो कि 1943 ईस्वी में इसका फॉर्मेशन हुआ, और ये अभी जो इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में है, यूके बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, और फिलहाल प्रेजेंट में अभी इसका हेड अतुल कुमार गोयल है, इसका हेड अतुल कुमार गोयल है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919 में स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और राज की किरण राय जी इसके हेड हैं। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कोलकाता, जिसका फॉर्मेशन 1950 में हुआ था, और इसके हेड अशोक कुमार प्रधान हैं। एक्सिस बैंक, इसका स्थापना 2007 में मुंबई में, बाढ़ती का नाम जिंदगी इसका एक ये है जो अमिताभ बच्चन करते टैंगलाइन है, जिसका हेड अभी अमिताभ चौधरी है, जिसका अभी है अमिताभ, एक्सिस बैंक का अमिताभ चौधरी हेड है। एक्सिस बैंक से पूछा जाता है, जो अमिताभ चौधरी काफ़ी फेमस है। और नेक्स्ट है आईसीआई बैंक, 1955 में उसका फॉर्मेशन हुआ, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में है, और इसका भी फिलहाल हेड संदीप बक्सी है, इसका हेड संदीप बक्सी है। एचडीएफसी बैंक 1994 में, एचडीएफसी बैंक 1994 में आपको फॉर्मेशन हुआ, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और आदित्यपुरी एक मिनट, हाँ आदित्यपुरी इसका हेड है। और आईडीएफसी बैंक मुंबई, जिसका अभी फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, आईडीएफसी 2015 मुंबई में फॉर्मेशन हुआ था, जो बैंकिंग हैक राजीव बी लाल इसका हेड है। कोटक महिंद्रा बैंक मुंबई, जिसका फॉर्मेशन 2003 में हुआ था, और उदय कोटक इनका हेड है। एच एस बी बैंक इंडिया लंदन, इसका HSSB बैंक इंडिया, इसका फॉर्मेशन आपको 1853 में हुआ था, जो कि इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, और अभी फ़िलहाल में इसका चेयरमैन सुरेंद्र रोसा है। इंडसाइड बैंक को 1994 में स्थापना हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और रमेश सोबती इसके हेड है। यस बैंक का स्थापना 2004 मुंबई में हुआ था, और रवनीश सिंह गिल इनके हेड है। और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसका स्थापना 2018 नई दिल्ली, सुरेश शेट्टी इसके चेयरमैन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधन बैंक, जिसका स्थापना 2015 में कोलकाता में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर अभी कोलकाता है, और इसका फ़िलहाल चंद्रकांत घोष इसके हेड है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण बैंक और उसके कर्मचारियों के और इसके चेयरमैन की और मुख्यालय और स्थापना से जानकारी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, और अच्छा लगे क्लास तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।